अगर आप बोतल बंद मिनरल वाटर को अपनी सेहत के लिए लाभदायक मानते हैं तो ये खबर आपके लिए है। प्लास्टिक के बोतल में मिलने वाले पानी को लेकर किए गए रिसर्च से खुलासा हुआ है कि इससे आपको कई गंभीर बीमारी हो सकती है। प्लास्टिक के बोतल का पानी पीकर आप कैंसर, ऑटिज्म और नपुंसकता जैसी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। भारत समेत दुनिया के 9 देशों के सैंपल को फ्रेडोनिया के स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में हुए रिसर्च के दौरान जांचा गया। इस रिपोर्ट को ऑर्प मीडिया ने प्रकाशित किया है। इसमें दावा किया गया है कि 93% बोतल बंद पानी के सैंपल में प्लास्टिक के कण बहुतायत से मिले हैं। रिसर्च में दावा किया गया है कि ये कण बोतल का पानी पीने वालों के लिए संक्रामक हो सकता है। रिसर्च के लिए ब्रांडेड मिनरल वाटर वाले प्लास्टिक के बोतल का सैंपल भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, केन्या, लेबनान, मैक्सिको और थाईलैंड से लिया गया। इसमें भारत में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रांड भी शामिल हैं। प्रकाशित रिपोर्ट में जिन कंपनियों का जिक्र किया गया है उनमें से एक्वा, एक्वाफिना, बिस्लरी का तो भारतीय बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा है। इसके साथ नेशनल प्योर लाइफ, इवियान, दसानिया, वहाहा जैसी कंपनियों के सैंपल भी लिए गए। प्लास्टिक के कणों की पड़ताल करने पर नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन जैसे खतरनाक केमिकल पाए गए। रिसर्च टीम का कहना है कि ये इंडस्ट्रियल पैकिंग की वजह से पानी में मिले होंगे, जो बोतल और उसके ढक्कन का हिस्सा हो सकते हैं। किसी किसी बोतल में तो इसकी संख्या 10,000 तक पाई गई। रिसर्च टीम का कहना है कि इससे इंसानों को होने वाले खतरे पर और पड़ताल किए जाने की जरूरत है, लेकिन इतना साफ है कि ये कण और उसमें मिलने वाले केमिकल का कनेक्शन कई तरह के कैंसर, स्पर्म काउंट में गिरावट और दिमागी बीमारी की वजह बन सकती है। हालांकि रिसर्च टीम की पहले की जांच में ऐसे कण नल के पानी में भी मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन प्लास्टिक के बोतल बंद पानी की तुलना में उसे सुरक्षित बताया गया है। साथ ही सलाह दी गई है कि वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाने को सभी साथ आएं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।